अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कम्बस्शन एनालिसिस। तो हम यहाँ पर जो है इस लेक्चर में देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम कम्बस्शन एनालिसिस के थ्रू जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन से फार्मूलाज हैं जिनको हम अप्लाई करके जो है कम्बस्शन एनालिसिस के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो आज जो है हम उन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और जो है अपना एम्पिरिकल फार्मूला वो डिटर्मिन करेंगे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि आपको कोई भी सैंपल दे दिया जाए, सैंपल प्रॉब्लम एग्जांपल कोई दी जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कि अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज एनालाइज्ड बाय कंबस्शन एनालिसिस। 0.5439 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड गेव 1.039 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने कम्बस्शन एनालिसिस के थ्रू जो है क्या करना है, इसकी कम्बस्शन करनी है। और ये आपको कितने परसेंट दे रहा है, आपको इतने ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और इतने ग्राम जो है ये वाटर आपको इसमें मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, डिटर्मिन करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मास जो है आपको इन वाटर का भी गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो आपने परसेंटेज पहले यहाँ पर परसेंटेजेस गिवन नहीं है, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। तो जो कि मैंने आपको फार्मूलाज बताए हुए हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो तीनों के फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे और पहले इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपने एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। फॉर द फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपको डाटा गिवन है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाइड, ये आपको मासेस गिवन है और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने जो है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। तो जो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कि आपको पता है फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और साथ में आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और डिवाइड करना है 44 से और मल्टीप्लाई करना है फिर 100 से। इसी तरह आपने जो है परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए भी और परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कार्बन के लिए कर लेते हैं। मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आपको गिवन है, दैट इज़ 1.039 ग्राम्स। तो आपने जस्ट यहाँ पर पुट करना है 1.039 ग्राम्स। ये मास आपने मास कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर लिख लिया। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, दैट इज़ 0.5439। तो ये आपने डिवाइड कर दिया इससे 0.5439 ग्राम्स। मल्टीप्लाई करना है 12 से, डिवाइड करना है फिर 44 से एंड देन मल्टीप्लाई विद 100, क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो परसेंटेज जब भी कैलकुलेट की जाती है तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 52.108। तो ये आपके पास जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई, इतने परसेंट जो है आपको कार्बन जो है वो आपको मिल रही है। ये परसेंटेज 52.108, ये आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली किसकी, कार्बन की। अब इसी तरह जो है हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन की और फिर फर्दर जो है हम मूव करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के बाद हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू जो है आप कंपाउंड में जैसे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स को आप एनालाइज करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मास ऑफ वाटर होगा और इसको डिवाइड करेंगे इसी तरह से मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.016 से और डिवाइड करेंगे 18 से एंड देन मल्टीप्लाई एट विद 100। तो आपके पास जो है मास ऑफ वाटर आपको गिवन है, चूँकि कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.6369 ग्राम्स ऑफ वाटर है।
तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ 0.6369 ग्राम्स। एंड देन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.5439 ग्राम्स, जैसे कि आपने यहाँ पर भी मेंशन किया है। अब मल्टीप्लाई कर देना, हमने इसको 2.016 एंड देन डिवाइड करना 18 से एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 100। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.11। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा लाजमी 13.11। ये आपके पास जो है परसेंटेज आ जाएगी, किसकी आ रही है परसेंटेज, हाइड्रोजन की। तो हमने परसेंटेज जो है कार्बन की भी कैलकुलेट कर ली फार्मूलाज अप्लाई करके, और इसी तरह परसेंटेज जो है हाइड्रोजन की भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ, जो कि आपको पता है कि हम कैलकुलेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से अब कैलकुलेट कैसे करते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इनको आप करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से आप जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमने परसेंटेज जो है ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई करके आपने परसेंटेज जो है ऑक्सीजन की भी कैलकुलेट कर लेनी है। तो क्या होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास कितनी आई थी, दैट इज़ 52.108। ये फिर प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आई थी 13.11। तो ये आपने ऐड अप किया, तो ये आप कैलकुलेट करें तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 34.77। तो 34.77 जो है आपके पास इसकी जो है परसेंटेज आ गई, किसकी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ, कि हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है परसेंटेज जो है तीनों कैलकुलेट कर ली हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी, हाइड्रोजन भी एंड ऑक्सीजन भी। तो अब जो है हम जो है एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करते हैं। तो हमने कहा कि कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू जो है हम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को के परसेंटेज जो है वो हम उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लें आप लोग एलिमेंट, यहाँ पर आप मेंशन कर दें परसेंटेज जो कि आपने कैलकुलेट की है, यहाँ पर आप ले लें मोल रेशो। ये स्टेप्स मैंने आप सारों को बताए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो होप्स हो कि आपको पता है कि आप किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए स्टेप्स मैंने आपको मेंशन किए थे 5 स्टेप्स। फिर आपने यहाँ पर मेंशन करना है एटॉमिक रेशो एंड एट द एंड आपने यहाँ पर लिखना है अपना एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टेप वन बाय वन हम इसको जो है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या किया कि अपना एलिमेंट मेंशन किया, एलिमेंट जो है आपका फर्स्ट कार्बन है, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है उसकी परसेंटेज अभी हमने कैलकुलेट की है, वो कितनी आई, 52.108। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आई थी 13.11, और जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट किया है ये आ रही है वैल्यू 34.77। ये आपने स्टूडेंट्स एक दफ़ा ख़ुद भी कैलकुलेट कर लेना ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जितनी आप कैलकुलेशन आप करेंगे ख़ुद तो उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी होगी। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो 34.77 जो है वो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। अब हम जो है मोल रेशो की तरफ जाते हैं कि मोल रेशो कैसे डिटरमिन करेंगे। तो मोल रेशो मैंने आपको स्टेप्स में क्लियर किया हुआ है कि मोल रेशो आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि आपके पास
जो परसेंटेज आती है, ठीक है, तो परसेंटेज को आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर परसेंटेज 52.108 आई है, तो आपने क्या करना है कि जो कार्बन एलिमेंट है इसकी जो एटॉमिक मास से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या मोल रेशियो आती है, दैट इज़ 52.108। इसको आपने डिवाइड कर देना किससे, 12 से, क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12 है। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.34। तो ये आपके पास मोल रेशियो आ जाएगी, हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी कहते हैं या आप कहते हैं नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स। इसी तरह जो है हाइड्रोजन के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 13.11, और इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, दैट इज़ 1.008। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 13.01। इसी तरह जो है स्टूडेंट्स, आपने 34.77 इसको भी आपने डिवाइड कर देना ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.17। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि आपने जब मोल रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है तो आपने देखना है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स आपको किस में से अटेन हो रहे हैं। तो आपको, आप यहाँ पर देखें तो लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स आपको कौन दे रहा है, ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, तो 2.17। तो ये लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो फिर आपने जब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है तो आपने ये जो मोल रेशियो आएगी एलिमेंट की, तो आपने क्या करना है कि जो है इसी इसको लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास है 4.34, तो आपने इसको लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स 2.17 से डिवाइड किया। इसी तरह 13.01 को भी आपने जो है लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स 2.17 से डिवाइड किया, और इस तरह इसको भी जो है 2.17 को 2.17 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप जो है एटॉमिक रेशियो इनको कैलकुलेट करें तो इनकी जो वैल्यू आ रही है इट कम्स आउट टू बी 2, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 6, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कार्बन की एटॉमिक रेशियो जो है वो 2 है, हाइड्रोजन की 6 है, एंड ऑक्सीजन की 1 है। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, आप इसे लिखेंगे कार्बन, कार्बन कितने हैं 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, एटॉमिक रेशियो तो ये H6, एंड ऑक्सीजन 1 है तो आप इसके O मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आप अपना एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं फ्रॉम कम्बस्शन एनालिसिस, यानी कि उस जो कम्बस्शन एनालिसिस में आपने फार्मूलाज अप्लाई करते हैं उसके थ्रू आप एम्पिरिकल फार्मूला जो है इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।